हम तो पहले दिन से कह रहे थे, पहले दिन से ये कह रहे थे कि इस लोकसभा चुनाव में राजस्थान में लोगों ने मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी से, उनकी नीतियों से परेशान थे, और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें लेकर के लोकसभा में जाएंगे, ये हम पहले दिन से कह रहे थे। वो चीज़ सच साबित हो रही है। प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, मेहनत की, पार्टी हाईकमान ने, आदरणीय खड़गे साहब, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने जिस प्रकार से न्याय पत्र दिया और उसमें जो वादे किए, जो गारंटियों की बात की, उस पे लोगों ने मोहर लगाई है, उन पे पूरा विश्वास किया। और हमारे राजस्थान के तमाम कांग्रेस के नेता सब ने मिलकर के एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ा, और मैं समझता हूँ कि ये जो परिणाम है, ये भारतीय जनता पार्टी की इस पर्ची सरकार को आईना दिखाने का है। इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने बढ़ चढ़ करके 25 में से 25 सीटें लेकर के आएंगे, 5 लाख से सब लोग जीतेंगे, और बीच चुनाव में तो मोदी जी को भगवान का अवतार ही बता दिया। तो ये सब चीजें जनता को नागवार गुजरी। जनता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की पिछले 5 साल में जो सरकार थी उसने अच्छा काम किया, उसकी योजनाएं अच्छी थी, आपने 6 महीने में कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है, न्याय पत्र है, वो शानदार है। आपका 10 साल का कोई विजन नहीं है, आप अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे हो, केवल संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, डरा के, धमका के, झूठ बोल के लोगों को भ्रमित करके चुनाव जीतना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। उनका जो अति आत्मविश्वास और जिस प्रकार का प्रसेप्शन उन्होंने बनाने की चेष्टा की थी कि एनडीए तो पता नहीं 400 पार चली जाएगी, तो देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने उनको आईना दिखा दिया है कि आपका झूठ बहुत दिन नहीं चलने वाला है। और अब देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपके लोकसभा क्षेत्र में भी जो गठबंधन किया था इंडिया गठबंधन, वो भी आगे चलने के लिए 29,000 से, वो तो सभी चलेंगे। आप गंगानगर से ले लीजिए, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, नागौर, बाड़मेर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, ये मैं समझता हूँ कि कोटा, अलवर, ये भी हम लोग अभी फाइट में हैं, आगे निकलेंगे। तो ऐसे बीजेपी से ज्यादा सीटें जीत करके हम इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनाने जा रहे हैं। कई बीजेपी सवाल है कि कुछ नेता कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए थे, नाम के साथ बात करें महेंद्र सिंह मालवीय, लेकिन हार का शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही कह दिया था, मैसेज जनता ने दे दिया ना कि ऐसे लोगों को कोई स्वीकार नहीं करती है जनता। मैं क्या मैसेज दूंगा, वोट तो जनता के पास थे। मैंने पहले ही दिन कह दिया था, मेरा पहला स्पीच राजस्थान के विधानसभा के गेट के ऊपर जिस दिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और खबर आई थी, मैंने कहा महेंद्र जीत मालवीय किसी सूरत में वहां से जीत के नहीं जा सकता, भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और हमने, चाहे इंडिया गठबंधन बाप के साथ नहीं हुआ, लेकिन हमने राजस्थान में पार्टी आलाकमान के सहमति से ये फैसला किया कि हम विधानसभा बागीडोरा और लोकसभा बांसवाड़ा डूंगरपुर में हम समर्थन देंगे। कांग्रेस के कैंडिडेटों को हमने वापस फार्म भरने के बाद में भी वापस नामांकन लेने के लिए कहा, उनको भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र जीत मालवीय ने और उनके लोगों ने मैनेज कर लिया। उसके बावजूद भी वहां पर बाप को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से समर्थन दिया, कांग्रेस की मानसिकता वाले कांग्रेस के लोगों ने वोट दिए,
और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 00 आ रहा है, वो हार रही। बाकी दोरा के उपचुनाव में भी आप आगे हैं। हाँ जीतेंगे भाई, हम तो कार्यकर्ताओं की नब्ज जानते हैं। हम लोग पहले ही, आप देखिए, हम 17 लोकसभा क्षेत्रों में रंधावा साहब, मैं और जूली साहब सब लोग हम गए थे। वहां पर लोग यही बात कर रहे थे कि अब की बार बीजेपी को हराना है, हमसे चूक होगी राजस्थान की विधानसभा में। राजस्थान के अंदर जो 5 साल हमारी सरकार का काम था, वो काम इतना शानदार था, जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी थी, लेकिन उन्होंने झूठ बोल करके, देश के प्रधानमंत्री जी ने माहौल बना करके यहां से लावा लूट लिया और हमारी सरकार नहीं बनके बीजेपी की बना ली और पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया और उनको कह दिया भाई भ्रमण करो और आप तो झूठ बोलो, लोगों को भ्रमित करो। मैं समझता हूं कि जनता समझती नहीं है क्या कि आप काम करने के लिए आपको दिया है, आपको रोजिना वो गैंगस्टर फोर्स बढ़ाने के लिए नहीं दिया, वो है तो एंटी गैंगस्टर फोर्स, लेकिन मुख्यमंत्री जी का प्रिय शब्द है गैंगस्टर फोर्स, तो गैंगस्टर फोर्स बढ़ाने के लिए दिया, करो ना, कौन मना कर रहा है, जो अपराधी है उनको जेलों में डालो। लेकिन आप केवल इसी बात से अब भी कांग्रेस को कोस कोस करके आप वोट लेना चाहते हो, ये चलने वाला नहीं। अब तो आपकी सरकार है, आपको बताना पड़ेगा कि हम कांग्रेस से ये बेहतर कर रहे हैं। जब ये चीज आप दोगे और जनता को महसूस होगा कि हाँ हमारे लिए ये ठीक कर रहे हैं, तब वोट देंगे लोग। लोगों ने कहा ये तो झूठे बेईमान निकले, इनके मंत्री तो हाथ में इस्तीफा लिए घूम रहे हैं, और वो इस्तीफा कोई इसलिए नहीं दे रहे हैं कि मुझे इस्तीफा देना है, वो पर्ची बदलने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं, सबको पता है ये। सर परसों दूध के दाम टोल टैक्स अगर बढ़ाए गए थे, शेयर बाजार कल सबसे ऊपर गया, आज दाम से गिरा। ये शेयर बाजार वाला भी घोटाला है, ये जो जो सर्वे दिखाया गया इन्होंने, जिस प्रकार से एग्जिट पोल दिखाया गया, ये सब जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला है, उससे भी बड़ा घोटाला है ये, सोची समझी साजिश थी। इस साजिश के तहत इस तरीके का एग्जिट पोल दिखाया गया, उसके बाद में शहरों में लूटमार की गई, गरीब बेचारा मर गया। मैं समझता हूं कि इसका पाप लगेगा इन लोगों को कि इस तरीके के षड्यंत्र किए गए हैं। आने वाला समय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का है और जो न्याय पत्र हमारी कांग्रेस पार्टी आला कमान ने दिया है उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे और अच्छी सरकार हिंदुस्तान में। एक सवाल है मेरा, जो नेता कांग्रेस छोड़ के गए थे, अब क्योंकि तस्वीर बदलने जा रही है, यदि वो घर लौटना चाहते हैं तो पार्टी का क्या रुख है? किस बात का? जो कांग्रेस छोड़ा, हमसे पूछ के छोड़ा था क्या? क्यों और नहीं है क्या? लोग जिन्होंने खून पसीना एक किया ना, मड़ाई अब आगे वो खाएंगे भैया, वो टिकटें लेंगे। ऐसे थोड़ी है, मर जाए जब भग जाओ और मर जाए जब वापिस आ जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। अब यहाँ 10 सीटों पर टक्कर पे है, आपको लगता है कि अगर आप और बेहतर टिकट बंटवारा करते तो उदयपुर राजसमंद इन सीटों पर भी बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता था? भैया देखिए, करने को तो सब अच्छे से अच्छे करने की चेष्टा करते हैं, हमने भी की है, लेकिन मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि हम बीजेपी से चाहे एक भी सीट ज्यादा है ज्यादा जीतेंगे। आपका कद बढ़ने वाला है इसके बाद? मेरा क्या, मैं तो सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मेरा क्या गद बढ़ेगा? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खून पसीना एक करके, सब नेताओं ने एकजुटता के साथ में काम किया है तो परिणाम आए हैं, तो मेरा क्या कद है? मैं तो एक जिम्मेदारी मुझे पार्टी आलाकमान ने दे रखी है तो मैं अपना रोल कर रहा हूँ, बाकी सब अपना अपना रोल कर रहे हैं और सबने मिल करके चुनाव लड़ा है, इसलिए मेरे कोई गलतफहमी नहीं है। कद जनता का बढ़ना चाहिए, मान सम्मान जनता का होना चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो जनता को मिलनी चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है और ये हमारा उद्देश्य है। भाई एक के लिए कोनी कहूँ, आप मोर्या 12-13-14 बोलेगा, हाँ ओ मोरे बोलोगे के तो बोले, तो बोले भाई कितना बोलोगे भाई 13-14 आपका फेमस डायलॉग है बार बोले। तेरा चौदह बार बोल गो। सर एक सवाल है, शहर में प्रदेश में ये अफवाह फैल रही है कि भजनलाल सरकार जो 4 जून तक के लिए सरकार सीएम है, तो क्या ये सच बदलने वाला है? नहीं, ये तो मैं नहीं कहता, बीजेपी की सरकार बनी है, 5 साल बीजेपी की चलेगी, हम तो इस मानसिकता के लोग हैं नहीं और कांग्रेस पार्टी इस तरह का काम करती नहीं। अब मुख्यमंत्री कौन रहे ये बीजेपी को तय करना, हमको तय नहीं करना।
वो तो कल का देखा नहीं आपने सीन, मुख्यमंत्री जी के सामने किरोड़ी जी किस भाव से बैठे थे। तो अब वो तो वो देखें, उनके ऊपर हम क्या टिप्पणी करें बताओ। सर किरोड़ी लाल जी ने कहा था कि 7 सीट हमारे जिम्मे है, प्रधानमंत्री ने दी है, इसमें से एक भी सीट यदि बीजेपी हारती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? मेरे को क्या लगता है, वो तो किरोड़ी जी को लगना चाहिए या भजन लाल जी को लगना चाहिए या बीजेपी को लगना चाहिए। मेरे को तो ये लग रहा है, जो मैं पूरी तरह के आश्वस्त हूँ कि किरोड़ी लाल मीणा जो कह देता है वो थूक के नहीं चाटता है, इसलिए वो पक्का इस्तीफा देगा और वापिस भी नहीं लेगा, ये मैं जितना जानता हूँ। फिर वो उनकी मर्जी है, उनकी पार्टी की मर्जी है, मैं उस झगड़े में क्यों पड़ूं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किरोड़ी लाल जो मीणा जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने 5-6 आगे उनकी सीट का भी कहा था, उनकी जिम्मेदारी, मैं कह रहा हूँ वो कितनी के भी गए वो तो देंगे। हाँ पक्का, तो भाई ऐसे तो फिर नेता है ना, वो भी कोई ऐसे थोड़ी है कोई, वो तो बार बार कह रहे हैं, कोई एक बार थोड़ी कह रहे हैं। मीडिया वाइट में कहा है कि मैं जो बोल दिया तो बोल दिया। हाँ तो बोल दिया तो बोल दिया, मैं ही कह रहा हूँ ना, मैं जितना जानता हूँ वो बात के धनी है, उन्होंने कह दिया मैं इस्तीफा दूंगा और वापिस भी नहीं लूंगा, ये भी बोला है। सर इसका मतलब ईवीएम सही कर रहा है क्या? ईवीएम काम सही कर रहा है? सही बात है ये, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सर ने विपक्षी दल ये बोल रहे थे कि ईवीएम से नहीं वॉलेट पेपर, वो तो जहाँ से हमारे पास सूचनाएं आएंगी हमने लठ लेके ग्वाली करी है ईवीएम की, ऐसे थोड़ी है कोई, हमने पहरेदार भेजे हैं, छोड़े हैं और पूरा चुनाव आयोग को छका के रखा है कि ये सही करिए, ये सही करिए, पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती करिए, तो हम सजग रहे हैं हमारी पार्टियां। डोटासरा जी इस बार जो लोकसभा में कांग्रेस को वोट परसेंटेज जिस तरीके से प्रत्याशियों को मिल रहा है, कई सीटों पर दौसा और ऐसी सीटें खासतौर पर एससी एसटी बाहुल और जाट बाहुल इन सीटों पर तो बता रहा हूँ ना मैं, जनता का आशीर्वाद है, जनता ने मन बना लिया कि ये बीजेपी झूठों की पार्टी है, जुमले देती है, ये झूठ बोलते हैं, हम बहकाव में आगे विधानसभा चुनाव में और हमने बड़ी गलती कर ली, इसलिए उन्होंने अपनी गलती को सुधारा है और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट दे करके बहुमत से यहाँ से लोकसभा में भेजेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है देश में, 100 बातों की एक ही बात है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जिन राज्यों में बीजेपी दावे कर रही थी कि राजस्थान में हैट्रिक बनाएंगे हम 25 की, उत्तर प्रदेश सब जगह जो है कहीं ना कहीं लोगों ने नजर आया, बताता हूं उनको पूछो क्या हुआ, मोरिया क्या बोलिया 10-12-13 मोरिया क्या बोलिया था का पूछो बात।